सालार की दहाड़ से फिर दहला बॉक्स ऑफिस, 400 करोड़ क्लब हासिल करने के लिए दौड़ी फिल्म। सालार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13। सालार रिलीज के दिन से झंडे गाड़ रही है। प्रभास की फिल्म की कहानी और एक्शन दर्शकों को फुल एंटरटेन कर रही है। क्रिसमस के मौके पर रिलीज का फिल्म ने पूरा फायदा उठाया। ओपनिंग डे पर सालार ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। साल 2023 में किसी भी फिल्म ने इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं ली जितनी सालार को मिली। सालार द सीज फायर पार्ट 1 थमने को तैयार नहीं है। फिल्म ने रिलीज के 13 दिन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सालार एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावली हो रही है। ओपनिंग पर तोड़े रिकॉर्ड, सालार रिलीज के दिन से झंडे गाड़ रही है। क्रिसमस के मौके पर रिलीज का फिल्म ने पूरा फायदा उठाया है। ओपनिंग डे पर सालार ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। साल 2023 में किसी भी फिल्म ने इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं ली जितनी सालार को मिली। सालार का धुआंधार बिजनेस 22 दिसंबर को रिलीज हुई। सालार ने पहले दिन देश भर में 90.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ये किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग है। इसके बाद भी फिल्म की धुआंधार कमाई जारी है। दूसरे दिन सालार ने 56.35 और तीसरे दिन 62.5 करोड़ का शानदार बिजनेस किया। 400 करोड़ क्लब में होगी शामिल। सालार के अब लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो बिजनेस में काफी गिरावट आ चुकी है। हालांकि सालार 400 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। सालार ने सोमवार को 16.6 करोड़ कमाए, वहीं मंगलवार को बिजनेस 6.45 करोड़ रहा। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को भी फिल्म का कलेक्शन ऐसा ही रहा। 13 दिनों में कमाए कितने करोड़, शुरुआती आंकड़ों के अनुसार सालार ने 3 जनवरी को 5.25 करोड़ कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 13 दिनों में फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 373.57 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है और अब 400 करोड़ क्लब की ओर दौड़ लगा रही है।